बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 38, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास फर्स्ट ईयर, पेज नंबर 215, क्वेश्चन नंबर 26 है। गिव रीज़न टू कैलकुलेट वेटेड इंडेक्स नंबर, के रीज़न बयान करें कि हम वेटेड इंडेक्स नंबर क्यों कैलकुलेट करते हैं। वेटेड इंडेक्स नंबर आर कैलकुलेट बिकॉज इन इट्स कैलकुलेशन वेट ऑफ कमोडिटी आर यूज, कि जब हम कोई भी एशिया है तो उसकी कैलकुलेशन के दौरान उसकी अहमियत को हम यूज़ करते हैं। दैट गिवन ड्यू इम्पॉर्टेंस टू द कमोडिटी, जिसकी वजह से उस एशिया को क्या मिलती है, अहमियत मिलती है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि गिव रीज़न टू कैलकुलेट वेटेड इंडेक्स नंबर, क्या रीज़न होती है जिसकी वजह से हम वेटेड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। वेटेड इंडेक्स नंबर आर कैलकुलेटेड बिकॉज इन इट्स कैलकुलेशन वेट ऑफ कमोडिटी आर यूज, कि हम एशिया की अहमियत को हम यूज़ वेट्स ऑफ कमोडिटी आर यूज, कि हम कैलकुलेशन के दौरान एशिया की अहमियत को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दैट ड्यू गिव ड्यू इम्पॉर्टेंस टू द कमोडिटी, जिसकी वजह से एशिया को अहमियत मिलती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हेन वेटेड इंडेक्स नंबर इज़ यूज़, कि हम कब वेटेड इंडेक्स नंबर यूज़ करते हैं। वेटेड इंडेक्स नंबर आर यूज व्हेन रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ कमोडिटी इज़ कंसिडर्ड इन देयर कैलकुलेशन, जब हम किसी भी एशिया को की अहमियत को कैलकुलेशन में के दौरान हम कंसिडर करें, तो तब हम वेटेड इंडेक्स नंबर को यूज़ करते हैं। डिफाइन वेटेड एग्रीगेट ऑफ इंडेक्स नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 है, डिफाइन वेटेड एग्रीगेट ऑफ इंडेक्स नंबर, के वेटेड एग्रीगेट ऑफ इंडेक्स नंबर क्या होता है। इंडेक्स नंबर इन विच द क्वांटिटी ऑफ बेस पीरियड और करंट पीरियड आर यूज एज वेट्स, के इंडेक्स नंबर इन विच द क्वांटिटी, हम मिकदार यूज़ करें किसकी, क्वांटिटी कहते हैं बेटा मिकदार को, अब बेस पीरियड की और करंट पीरियड आर यूज़ एज वेट्स, अहमियत के तौर पे या वेट्स के तौर पे हम इस्तेमाल करें, इज कॉल्ड वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, उससे हम क्या कहते हैं, वेटेड इंडेक्स एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर कहते हैं। इंडेक्स नंबर इन विच द क्वांटिटी ऑफ बेस पीरियड और करंट पीरियड आर यूज एज वेट, वो इंडेक्स नंबर जिसमें हम क्या करें, क्वांटिटी को बेस पीरियड और करंट पीरियड को वेट के तौर पे इस्तेमाल करें, उसे हम क्या कहते हैं, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। दीज वेट इंडिकेट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ कैंडिडेट, इस वेट्स की वजह से उसको अहमियत, एशिया को अहमियत मिलती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज़ लेस पेयर इंडेक्स नंबर, लेस पेयर इंडेक्स नंबर क्या होता है। वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, पहली बात कि ये हमारे पास किसकी टाइप है, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स की। वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर इन विच द प्राइस आर वेटेड, कि प्राइस हमारे पास क्या हो, वेटेड हो बाय द बेस ईयर क्वांटिटी, किसके साथ, बेस ईयर क्वांटिटी के साथ, कि प्राइस हमारे पास वेटेड हो किसके साथ, बेस ईयर क्वांटिटी के साथ, इज कॉल्ड लेस पेयर इंडेक्स, उसे हम क्या कहते हैं, लेस पेयर इंडेक्स कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बेस ईयर वेटेड इंडेक्स, इसको हम बेस ईयर वेटेड इंडेक्स भी कहते हैं। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ बेटा, लेस पेयर इंडेक्स नंबर क्या होता है, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। पहली बात क्या है कि हमारे पास ये वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर है, वो इन विच प्राइस आर वेटेड बाय द बेस ईयर क्वांटिटी, के हमारे पास बेस ईयर क्वांटिटी को हम क्या करें, वेट लें, इज कॉल्ड लेस पेयर इंडेक्स, उसे हम क्या कहते हैं, लेस पेयर इंडेक्स कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बेस ईयर वेटेड इंडेक्स, इसको हम बेस ईयर वेटेड इंडेक्स भी कहते हैं। इट इज़ गिवन बाई, इसको हम डिनोट करते हैं लेस पेयर इंडेक्स, पी नॉट एन इज इक्वल टू समिशन पी एन क्यू नॉट डिवाइड बाई समिशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100, वियर समिशन पी नॉट एन प्राइस इंडेक्स नंबर, पी नॉट एन को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास प्राइस इंडेक्स नंबर है। पी एन इज इक्वल टू प्राइस इन द करंट पीरियड, पी एन हमारे पास प्राइस होती है करंट पीरियड की, पी नॉट क्या है बेटा, प्राइस इन द बेस पीरियड, बेस पीरियड की प्राइस होती है, और क्यू नॉट क्वान्टिटी इन द बेस पीरियड, और क्यू नॉट हमारे पास क्या होती है बेटा, मिकदार होती है किसकी, बेस पीरियड की। इसके बाद बेटा पेज नंबर 245 पे क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर द फॉलोइंग डाटा, डाटा हमारे पास गिवन है, कंप्यूट सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, क्या हमने मालूम करना है, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर मालूम करना है। फॉर द ईयर 1973 एंड 1974, किस ईयर के लिए, 1973 ईयर और 1974 ईयर के लिए हमने मालूम करना है। विद 1972 एज बेस, जबकि हमारे पास 1972 क्या हो, बेस हो। तो बेटा कमोडिटी दे दी है वीट राइस मटन, प्राइस दे दिया 1972 की 30, 80, 240, 1973 की 3200 और 300, और 1974 की 37, 110 और 400। सबसे पहला काम करना है बेटा, डाटे को अरेंज कर लेना है, एयर को हमने लेफ्ट साइड पे ले लेना है, एयर मैंने लेफ्ट साइड पे ले लिया 1972, 1973 और 1974, कमोडिटी उसने गिवन दी थी उसको मैंने राइट साइड पे ले लिया, रो वाइज ले लिया, एयर को कॉलम वाइज ले लिया, वीट राइस और मटन। वीट हमारे पास क्या है, 30, 32 और 37, राइस हमारे पास क्या है, 80, 100
और 110, मटन हमारे पास क्या 240, 300 और 400। सिंपल एग्रीगेटिव को बेटा हमने फार्मूला पढ़ा था कि समीशन पी एन डिवाइड बाई समीशन पी नॉट के इक्वल होता है कि सम ऑफ प्राइस ऑफ करंट पीरियड एंड डिवाइडेड बाई सम ऑफ प्राइस ऑफ बेस पीरियड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स कहते हैं। तो इसमें हमें क्या चाहिए बेटा, सम चाहिए किसका, प्राइस का। तो मैंने टेबल बना लिया सम ऑफ प्राइसेस। सबसे पहले हम हर ईयर की वैल्यूज़ का सम निकालेंगे। अब 1972 है, 1972 की प्राइस को ऐड कर देंगे, कौन सी है 30 प्लस 80 प्लस 240, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 350 सम ऑफ प्राइसेस होगी 1972 की। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमारे पास 1973 है, इसकी प्राइस क्या 3200 और 300, इनको ऐड करेंगे बेटा 32 प्लस 100 प्लस 300, तो ये 432 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ईयर हमारे पास 1974 है, तो इसकी प्राइस है बेटा 37 110 और 400, 37 प्लस 110 प्लस 400, तो ये 547 हो गया। अब हम आ जाते हैं बेटा बेस की तरफ। उसने कहा है कि बेस हमारे पास क्या हो, 1972 हो। तो 1972 ईयर हमारे पास बेस है, तो इसका मतलब है समीशन पी नॉट हमारे पास सम ऑफ प्राइसेस है, तो सम की वजह से समीशन आ जाएगा। पी नॉट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 350 के इक्वल आ गया। तो बेटा आगे टेबल बनाएंगे, पी नॉट एन इज इक्वल टू समीशन पी एन डिवाइड बाई समीशन पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। हम साल किसको करने लगे हैं बेटा, अब इसमें बेटा हम 1972 को सॉल्व करने लगे हैं। तो 1972 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसकी प्राइस जो सम ऑफ प्राइसेस है ये क्या हो जाएगा, समीशन पी एन, और समीशन पी नॉट हमने निकाल लिया था किसके इक्वल है बेटा 350 के इक्वल है। तो 350 डिवाइड बाई 350 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 100। नेक्स्ट ईयर हमारे पास है 1973, तो इसका समीशन पी एन किसके इक्वल निकाला है बेटा, सम ऑफ प्राइसेस ये 432 के इक्वल है, 432, और बेस हमारे पास क्या कही थी उसने 1972 है, तो उसका सम ऑफ प्राइसेस क्या था 350। तो 432 को 350 पे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये 1234.42 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमारे पास 1974 है, तो इसका समीशन पी एन किसके इक्वल है बेटा 547 के इक्वल है, और समीशन पी नॉट हम निकाल चुके हैं 350 के इक्वल है। तो 447 डिवाइड बाई 350 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये 156.28 हमारे पास आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स। क्या हमने सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स मालूम करना है। बेस हमारे पास किसके इक्वल है बेटा 9080 के इक्वल है। ईयर उसने हमें दे दिए 9081, 82, 83 और 84। प्राइसेस भी दे दिए, ए की वैल्यू गिवन है 18, 22, 28 और 31। बी की वैल्यू गिवन है 85, 76, 80 और 95। सी की वैल्यू गिवन है 52, 60, 56 और 80। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स मालूम करना है। तो बेटा सिंपल एग्रीगेटिव में हमें क्या चाहिए होता है बेटा, सम चाहिए होता है प्राइसेस का। तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे सम ऑफ प्राइसेस, हर ईयर की प्राइसेस को सम करेंगे। 1981 है, तो इसकी प्राइसेस हमारे पास गिवन है 18 प्लस 85 प्लस 52 प्लस, तो ये हमारे पास इन तीनों को हमने सम किया तो बेटा 155 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमारे पास 1982 है, तो इसकी प्राइसेस है 22 प्लस 76 प्लस 60, तो ये हमारे पास सम निकला है 158 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1983 है, तो इसकी प्राइसेस बेटा है 28 प्लस 80 प्लस 56, तो सम हमने जब किया तो बेटा ये 164 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर हमारे पास 1984 है, तो इसकी प्राइसेस बेटा 31 प्लस 95 प्लस 80, तो हम जब इनको प्लस करेंगे तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, 206 के इक्वल आ जाएगा। ये तो बेटा हमने सम ऑफ प्राइसेस निकाली है। नेक्स्ट टेबल बनाएंगे बेटा, पी नॉट एन इज इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे सैम्पल एग्रीगेटिव का, इसके इक्वल होता है समीशन पी एन डिवाइड बाई समीशन पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100 के इक्वल होता है। तो इसमें हमें क्या चाहिए, सम ऑफ प्राइसेस चाहिए करंट पीरियड की और सम ऑफ प्राइसेस बेस पीरियड की। तो हमने सम ऑफ प्राइसेस निकाल लिए। उसने हमें क्या कहा था बेटा, बेस हमारे पास क्या है 1981, तो इसका मतलब है जो 1981 का जो सम है वो किसके इक्वल है बेटा, समीशन पी नॉट के इक्वल है। और मैंने मेंशन भी कर दिया कि किसके इक्वल आ गया, 155 के इक्वल आ गया। अब हम बेटा सॉल्व करने लगे हैं। ईयर 1981 है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, समीशन पी एन 155 के इक्वल है, जबकि बेस हमारे पास समीशन पी नॉट वो भी 155 के इक्वल था मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 100। नेक्स्ट ईयर बेटा 1982 है, तो इसका सम क्या है 158 के इक्वल है, तो समीशन पी एन क्या हो गया 158, और समीशन पी नॉट किसके इक्वल निकला है 155 के, 158 डिवाइड बाय 155 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर आ जाएगा 101.93। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1983 है, तो इसका सम क्या निकला है बेटा 164, तो ये हमारे पास क्या हो गया समीशन पी एन, और बेस हमारे पास क्या है 155, तो 164 को डिवाइड करेंगे 155 पे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 105.58 आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर बेटा 1984 है, तो इसका सम किसके इक्वल है बेटा 206 के इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा समीशन पी एन डिवाइड बाई बेस हमारे पास समीशन पी नॉट किसके इक्वल है 155 के इक्वल है, तो 206 डिवाइड बाई 155 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो
तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 132.90। मेन चीज़ इसमें बेटा क्या है कि सबसे पहला स्टेप है कि हमने सम ऑफ प्राइसेस निकालने हैं, हर ईयर के प्राइस को सम करना है। उसके बाद जो ईयर बेस दिया होगा उसको हमने समेशन पी नॉट बना लेना है और बाकी सारा काम ऐसे सॉल्व कर लेना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।